मेरा शब्द आदि का है, पल पल उसका स्मरण करो, अंत में उसका फल होगा माहली, और ऊपर की तो सब बाद है, व्यर्थ है। शब्द हमारा आदि का, शब्द को लेकर के दुनिया में बड़ी उलझन है। शब्द ही को इतना तूल दे देते हैं, ऐसा भी लिखा गया है कि ओम ऐसा शब्द शुरू में हुआ, ओम ऐसा होता रहा युगों तक, पर वो शब्द फट गया और उसी में संसार निकल आया। ये एकदम भावुकता की बात, ये ओम कौन कह रहा था, कहाँ से हो रहा था। शब्द से दुनिया बनी तो लोग जोड़ लेते हैं, वेद में भी है, बाइबल में भी है, कुरान में भी है, अमुक जगह भी है, हमारे यहाँ भी है, शब्द से सारा संसार निकला है। शब्द वायु के संबंध में उठता है, दो वस्तुओं की टकराहट में जब वायु में तरंग आती है, वो तरंग हमारे कान के पर्दे पर पड़ती है और हम शब्द सुनते हैं। शब्द बड़ा नहीं है, शब्द ही बड़ा है, जो शब्द का ज्ञाता है। तो शब्द को लेकर के लोग बाल की खाल काट करके इसी बात करते हैं जो भावुकता की बात हो जाती है, और कबीर साहब के शब्दों को लेकर के बाल की खाल निकालने वाले खूब हैं। और जो इतना प्रसिद्ध पुरुष हो जाता है, सभी लोग अपना उसमें स्थान बनाना चाहते हैं। साहब शब्द कहते हैं, शब्द नाम उपदेश, निर्णय वचन, सीधी सादी बात है। शब्द हमारा आदि का, हमारा जो उपदेश है वह आदि का है। आदि नाम मूल और आदि नाम शुरू, दो अर्थ होता है। शुरू का काल की दृष्टि से है, आदि से ये चला रहा है, मतलब जब से शुरू हुआ है तब से चला रहा है। अवादि का है मूल, मूल अनादि होता है, तो आदि के दूसरे अर्थ में अनादि ध्वनित होता है। जैसे सांख्य दर्शन में सूत्र है, मूले मूला भावाद मूलम मूलम, मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल, मूले मूला भावाद मूल, मूले मूल अभावात, मूल में मूल न होने से अमूलम मूलम, अमूल होता है, बेजड़ होती है जड़, पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती, जड़ बिना जड़ की होती है। प्रकृति पुरुष ये दोनों मूल हैं, और इसका मूल कोई नहीं, ये अमूल है। तो मूल का अर्थ होता है अनादि तत्व, एक मूल का अर्थ होता है शुरू, आदि नाम शुरू। जैसे कि स्वतंत्र भारत का आदि समय कौन है, 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत का आदि काल है। तो ये आदि अनादि नहीं, और दूसरा आदि है मूल, तो मूल अनादि होता ही। तो यहाँ पर मूल का अर्थ है शब्द हमारा आदि का, मेरा जो शब्द है, मेरा उपदेश है, मेरा निर्णय है, मेरा कहना है, वो मूल तत्व के लिए है, आत्म तत्व के लिए। मूल कौन है, आत्मा। सारे ज्ञान विज्ञान का मूल आत्मा है, पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, रत्नों की खदान है, पत्थर की खदान है, कोयले की खदान है, ज्ञान की खदान और स्रोत कहीं नहीं, वो मनुष्य।
लेकिन इसमें भी भावुकता है, मनस्तुच्छ है। ज्ञान का खदान ईश्वर है, ईश्वर कहाँ है जो ज्ञान का खदान है? वेद किसने बनाया, कुरान किसने बनाया, बाइबल किसने बनाई, सारा ज्ञान विज्ञान कौन शोधता है? ईश्वर का निर्धारण किसने किया, देवताओं की रचनाएं किसने की, और अनेक पूजा पाठ विधान और सिद्धांत किसने रचे, अवतारवाद की कल्पना किसने की, पैगंबरवाद की कल्पना किसने की, आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म बंध मोक्ष ये सब का निर्णय निर्धारण किसने किया? मनुष्य ने किया, और मनुष्य को हम भुला देते हैं, ईश्वर कह करके एक परोक्ष में डाल देते हैं। स्वामी विवेकानंद भी ईश्वर बहुत खींचे हैं, उन्होंने कहा आत्मा को तुच्छ कह करके तुम क्या पाओगे? गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मांसा श्रेष्ठतरम किंचित, ये वेद व्यास का वचन है, महाभारत की आखिर तरफ आता है। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम, मैं एक गोपनीय बात यहाँ कहता हूँ, नहीं मांसा श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य बढ़कर के कुछ नहीं। मंगला के महाकवि चंडीदास जी कहते हैं, सुनो मानुष भाई, सवार ऊपर मानुष तहार ऊपर नहीं। अरे मनुष्य भाई सुनो, सबके ऊपर मनुष्य सत्य है, मनुष्य के ऊपर कोई नहीं। ईश्वर का विवेचन करने वाला मनुष्य, ईश्वर के स्वरूप को निर्धारित करने वाला मनुष्य, इसलिए नाना मतों के ईश्वर अलग अलग हैं। असली ईश्वर तो विश्वव्यापी नियम है, जो ऋग्वेद के ऋत शब्द से जाना जाता है, वो अलग अलग नहीं। लेकिन संप्रदायों के जितने ईश्वर हैं सब अलग अलग हैं। एक ईश्वर ऐसा है कि कुरान की परंपरा को मानने वाले को स्वर्ग देता, दूसरे को नहीं देता है। दूसरा ईश्वर है जो नई बाइबल के अनुसार चलता उसको स्वर्ग देता है, दूसरे को नहीं। तीसरा ईश्वर है जो नई बाइबल को छूता नहीं, पुरानी बाइबल के अनुसार जो चलता उसको स्वर्ग देता है। वैसे आप अपने भारतीय परंपरा में गिन लें, नाम बहुत गिन लें, बहुत नाम है। हर शाखा स्वर्ग और मोक्ष अपने यहाँ रिजर्व किए है, दूसरे यहाँ नहीं होता है मोक्ष, हमारे मत में होता है, दूसरे यहाँ में। और नाम लेकर के समय बर्बाद करना बेकार है। एक एक संप्रदाय में जो भिन्न शाखाएं हैं, रामानुज रामानंद संप्रदाय, दोनों वैष्णव हैं, रामानंद और रामानुज संप्रदाय में खूब कटाकटी, राम और कृष्ण, राम कट्टर राम उपासक, कृष्ण उपासकों को मोक्ष नहीं मानते, स्वर्ग तक मानते हैं। उनको मोक्ष तब मिलेगा जब राम उपासक हो जाए, आज नहीं तो आगे जन्म में। और कृष्ण उपासक यही उत्तर देते राम उपासक को, शैव कहते हैं राम और कृष्ण दो दिन के बच्चे, शिव सबसे बड़े, और शिव को माने बिना आपका कल्याण नहीं। वेनसांग जब यहाँ आए हैं, चीन के साधु बौद्ध साधु, उनकी डायरी मेरे हाथ लग गई, तो एक ही डायरी उन्होंने लिखी है, उसके आधार पर मैंने अपनी डायरी लिख दी, मेरी और वेनसांग की डायरी। इतिहास में तो वेनसांग को आप थोड़ा सा कहीं पढ़ते हैं, लेकिन मेरी डायरी में वेनसांग का पूरा वर्णन है, और भारत में कहाँ कहाँ गए हैं, गुजरात भी आए हैं, सब वर्णन मैंने किया है उनके आधार पर। मैंने नाम ही पुस्तक की का रखा है मेरी और वेनसांग की डायरी। उन्होंने भारत, बृहत्तर भारत में शिव उपासना पाई है, जैन उपासना पाई है, बुद्ध उपासना पाई है, वासुदेव उपासना पाई है, ये उपासना पाई है, राम उपासना नहीं पाई। राम उपासना ईसा के 1200 वर्ष बीतने पर प्रकाशित हुआ है। शिव उपासना अत्यंत प्राचीन है, उसके पश्चात वासुदेव उपासना ईसा के पहले ही आ गई। बीजक की व्याख्या भी मैंने इसको लिखा है, सभी उपासक ऐसे कहते हैं। कबीर ने कहा कि मोक्ष और सत्य सीमित नहीं,
लेकिन ऐसे कबीरपंथी मिलेंगे जो कहेंगे कबीर को जो परमात्मा मानता है उसी का मोक्ष होगा, दूसरे का नहीं होगा। जो कबीर नहीं जानते थे वो कबीरपंथी जानते हैं, जो राम नहीं जानते थे वो राम अनुगामी जानते, जो कृष्ण नहीं जानते कृष्ण अनुगामी जानते, और ऐसे जो बुद्ध नहीं जानते थे बुद्ध अनुगामी जानते। नाम कहाँ तक लिया है, सबकी दशा है। अनुगामी लोग बड़े तेज हो जाते हैं और सत्य को अपने संप्रदाय में सीमित कर देते हैं। तो ज्ञान विज्ञान का स्रोत कौन है, ईश्वरों का ईश्वर कौन है, ब्रह्म का ब्रह्म कौन है, ये बोल रहा है। स्वामी शंकराचार्य तो चिल्ला चिल्ला के कहते बारम्बार, जीव ब्रह्म ही ना परा, जीव ब्रह्म ही, प्रत्येक भिन्न में जब तक आस्था नहीं होगी कल्याण नहीं होगा। अंतरात्मा से अभिन्न सत्य है, सत्स्वरूप तुम खुद हो, कबीर साहब यही कहते हैं। तो जो मूल है कौन है, ज्ञान विज्ञान का मूल कौन है, आप है। आपका परिचय कबीर साहब वाणी देते हैं, आत्म धन जय ठौर है वचन कबीर उपदेश। कबीर के वचनों का उपदेश आत्म धन के लिए, आत्म धन ही भारतीय परंपरा में उपासनी है। अन्य परंपराओं में जो विदेशी परंपरा है उसमें उपास्य वहाँ के महापुरुष हैं जो मत के प्रवर्तक हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं। अनेक संप्रदाय हैं विदेश के, तो जिस मत के जो प्रवर्तक हैं संचालक हैं उपासना के, वे केंद्र में हैं। अगर उनको न माने तो स्वर्ग नहीं होता है। भारतीय परंपरा में कहीं आप नहीं दिखा सकते हैं, वेद चारों उपनिषदें समस्त छह शास्त्र कहीं नहीं बता सकते हैं कि मनुष्य की उपासना के केंद्र में कोई मनुष्य है, कोई ऋषि नहीं है। ऋषि सब पूज्य हैं, वेद के ऋषि सब पूज्य हैं, शास्त्र के ऋषि पूज्य हैं, उपनिषद के ऋषि पूज्य हैं, लेकिन कोई आत्मा कोई उपासना के केंद्र में नहीं है। उपासना के केंद्र में आत्मा है। ये भारतीय परंपरा का उद्दात विचार राजपथ है, इसमें सबका समाहार है। राम कृष्ण की उपासना तो बहुत पीछे चली, शिव कल्याण स्वरूप है, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेया, ये मूल मंत्र है पूरा। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान गर्म न प्रज्ञम न प्रज्ञम अव्यवहार मग्राह्यम लक्षणम अचिंतम अपदेश मेकात्म प्रत्यसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञेया। ये मांडूक उपनिषद का एक मंत्र है, गद्यात्मक मंत्र है। नान्तः प्रज्ञम भीतर कुछ नहीं जानता है, न बहिष्प्रज्ञम बाहर कुछ नहीं जानता है, न उभयतः प्रज्ञम दोनों तरह नहीं जानता है, न वो प्रज्ञम न अप्रज्ञम, न उप्रज्ञ है न अप्रज्ञ, न ज्ञाता है न अज्ञाता है। वो अव्यवहार है, अग्राह्य है, अलक्षण है, उसका बाहर लक्षण नहीं। अचिंतम चिंत वो स्मरण से रहित है, अचिंतम और अग्राह्यम एक आत्म प्रत्यसारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र, एक आत्म बोध मात्र। इस गद्य में ये अंश बहुत महत्वपूर्ण है, जान है इसकी। एक आत्म प्रत्यसारम, एक आत्म प्रत्यसारम, एक अद्विति आत्म स्वयं प्रत्यय बोध सारम सत्य। ये जो आत्मा का बोध है मैं हूँ, यही सार है। प्रपंचोपशमन, जब प्रपंच का उपशमन हो जाता है, प्रपंच है मन, मन सामने आए तो जगत सामने खड़ा हो गया, गाड़ी नींद में मन नहीं रहा, केवल शांत, जैसे नींद खुली मन सामने खड़ा हो गया, बस जगत सामने खड़ा हो गया, तब हर्ष अमर्ष ये दो द्वंद सवार हो। साधक का यही काम है कि जीवन में उसके हर्ष अमर्ष समाप्त हो जाए,
नीत खुले न हर्ष न अमर्ष सम। ये बाहर के कूड़ा कबाड़ को लेकर के हर्ष अमर्ष हो रहा है और सारा कूड़ा कबाड़ कार्य पदार्थ है, मूल प्रकृति जड़ है और उसकी विकृत ये कार्य पदार्थ घर घड़ा शरीर वस्तुएं तमाम जो चित्र विचित्र दिखाई देती हैं ये कार्य पदार्थ ये विकार है, पानी की बुलबुले की तरह बनते और मिटते हैं। ये दृष्टि जिसकी निरंतर हो जाती है हर्ष अमर्ष से पार हो जाता है। नीत खुली न कहीं हर्ष है न अमर्ष है, ये अपने को ऊपर उठाने से होगा, चिपके रहने से नहीं होगा। हवाई जहाज पर बैठा हुआ व्यक्ति ये नगरों को चिपका हुआ देखता है जमीन में, बाग बड़े बड़े बाग लगते हैं कि जमीन की घास हरी हरी है, मोटी मोटी नदियाँ चौड़ी चौड़ी नदियाँ नाली की तरह दिखाई देती हैं। इसी प्रकार जो भौतिक धरातल से ऊपर उठ जाता है जिसका चित्त, उसको सारा संसार खिलौना लगता है, फिर हर्ष किसका किसका अमर्ष किया जाए, किसका हर्ष किया जाए। हर्ष अमर्ष ज़्यादा है शब्दों में चलता है, मनुष्य के पीछे भयंकर रोग है शब्द और मन, ये दो शक्तियाँ मनुष्य में काफ़ी विकसित हैं। विकसित क्या है, बहुत विकसित है, और यही इसका सरदर्द है और यही मोक्ष का कारण है। प्रकृति ने अगर इसको भी बांध दिया होता मनुष्य को तो ये भी जानवर होता। जानवर का मन संकुचित है, खाना पीना प्रजनन करना अपनी जगह की याद कर लेना, शाम को अपने खूंटे पर खड़ा हो जाना, पक्षियों का अपने घोंसले में आ जाना, चींटियों का अपने बिल में आ जाना, ये सब हो जाता है। मन उनके पास है, बहुत संक्षिप्त मन है, इसके आगे वो सोच नहीं सकते। वाणी उनके पास नहीं, बों चींटूं थोड़ा कर देंगे बस, कुत्ता ज़्यादा भौंक देगा, कोई वैखरी भाषा नहीं बोल सकता है, इसीलिए उपद्रव रहित हैं वो, बहुत शांत बहुत सुखी। आदमी का मन और आदमी की वाणी बहुत विकसित है, इसलिए बहुत उलझा है मन, उसे सोच सोच करके मन को इसने फोड़ा बनाया, मवाद बनाया, और वाणी से बोल बोल करके वातावरण को बहुत प्रदूषित किया है। ज्ञान के नाम पर कितना अज्ञान चलता है, शास्त्रों के नाम पर कितना अशास्त्र चलता है, गुरुवाणी के नाम पर कितना अगुरवाणी चलती है, कुगुरवाणी चलती है। इसलिए नीर छीर विवेक के बिना कहीं कल्याण नहीं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। शास्त्र आदरणीय है, परंपरा आदरणीय है, महापुरुष आदरणीय है, लेकिन सबके ऊपर विवेक है। ये दोहाई ना दो फलाने ने कहा है, ये दोहाई ना दो अमुक ग्रंथ में लिखा है, ये दोहाई ना दो इतनी पुरानी बात है, ये दोहाई मत दो कि इतनी बड़ी जनसंख्या इसको मानती है। बताओ वस्तु क्या है, बात क्या है, और बात पर विवेक किया जाएगा, युक्ति से और प्रमाण से सिद्ध हो तो मान्य। दो चीज़ें हैं युक्ति और प्रमाण, युक्ति प्रबल है प्रमाण सहयोगी है। जैसे एक बात लो, वेदों में ब्राह्मण और स्त्री का अधिकार नहीं है ऐसा पौराणिक पंडित कहते हैं। युक्ति प्रमाण क्या है, युक्ति है कि स्त्री को पढ़ाया जाए तो वेद पढ़ती है और शूद्र जिनका नाम है उनको पढ़ाया जाए तो वेद पढ़ते हैं और जानते भी हैं समझते भी हैं, तो युक्ति से तो बात कट गई कि स्त्री और ब्राह्मण वेद के अधिकारी नहीं, ये बात युक्ति से कट गई। प्रमाण दूसरी बात है, वेद मंत्रों की रचयिताएं स्त्रियां हैं और शूद्र हैं, तो प्रमाण से भी कट गया। यद्यपि युक्ति प्रबल है, प्रमाण न हो तो कोई हर्ज नहीं, युक्ति प्रमाण भी युक्ति के तहत ही माना जाता है, युक्ति प्रबल है।
युक्त युक्तम उपादेयम वचनम बालकाद्यपि अन्य तृणमेव त्याज्यम अप्रुतम पद्मजोनिना। युक्त पूर्वक वचन बालक के भी प्रिय, अब अयुक्त वचन ब्रह्मा का है तो भी नहीं मानना चाहिए। ये संस्कृत के पंडितों ने ही कहा, सब संस्कृत के पंडित पोगापंथी नहीं थे। जो ये कहा जाता पंडित पोगापंथी है, पंडित पोगापंथी महात्मा पोगापंथी है, ज्ञानी जी पोगापंथी, मौलवी साहब है, पादरी जी हैं, सब में पोगापंथी और विवेकवान सब में। इसलिए कोई वर्ग, कोई देश, कोई काल जब बहुत बड़ाई करने लगता है तो मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। कबीर साहब ने कहा है, नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होय। नग और पषाण सर्वत्र है, नग रत्न, पषाण पत्थर, पत्थर और रत्न सर्वत्र है, परखने वाले बिरले हैं। नगते उत्तम पारखी, लेकिन नग से उत्तम पारखी है, ज्ञान से बड़ा ज्ञानी है, जो जगत में बिरले होते हैं निरछीर विवेक करने वाले। कबीर साहब ने सूप का उदाहरण दिया, फटक लो सूप सुभाए रखो, फटक दो भूसी उड़ जाए चावल रखो। वेद के ऋषि ने चलनी का उदाहरण दिया हजारों वर्ष पूर्व, सक्तम युतितुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, सक्तम युतितुना मनसा वाचम अकृत, सक्तम सतुआ भुना हुआ आटा, भुना हुआ आटा सत्तू वैदिक ऋषि खूब खाते थे सोमरस मिला करके। ये सत्तू बहुत पुराना है, सत्तू आज भी बिहार में खूब मिलता है, और जगह तो नहीं मिलता, बिहार में मिलता है, कम नहीं खूब बाजार बाजार में मिलता है। सक्तुम इव तितौना, तितौ नाम चलनी, तितौना नाम चालना, जैसे चलनी से सत्तू आटा छाना जाता है वैसे विवेक से वाणी को छानो, ये वेद के ऋषि कहते हैं। तो युक्ति श्रेष्ठ है, फिर प्रमाण सहायक है। इसलिए परंपरा की दुहाई मत दो, कोई ग्रंथ की दुहाई ना दो, कोई महापुरुष की दुहाई ना दो। एक महापुरुष की दुहाई दोगे तो दूसरे महापुरुष की तनुजली करोगे। जो श्रद्धाहीन है वो कहीं का नहीं, श्रद्धाहीन व्यक्ति बिखर जाता है, और अधिक श्रद्धा हिंसा पैदा करती है। श्रद्धाहीन आदमी कहीं श्रद्धा नहीं, कुछ समझना ही नहीं चाहता, वो बर्बाद हो जाता है। और जो अधिक श्रद्धा में पड़ जाता है उतना कंजूस हो जाता है। कबीर के लिए हम अधिक श्रद्धावान हो जाएं तो राम को, कृष्ण को, मोहम्मद को, ईसा को, बुद्ध को, महावीर को या अन्य महापुरुषों को नहीं समझ सकते। और यही हो रहा है धर्म में, कहाँ समझते हैं, एक दूसरे को नहीं समझते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो भाई ये तो बड़ा बढ़िया हुआ समन्वय, कम से कम राम कृष्ण का समन्वय हो गया। तो उत्तर मिला, नहीं ये अयोध्या वाले राम का नहीं है, ये बलराम है, कृष्ण के भाई, एक ही फैमिली का आदर है, दूसरे का नहीं है। हरे राम मतलब बलराम और कृष्ण, श्री राम बिल्कुल आ नहीं सकते, गेट में घुस नहीं सकते। जब मैं दक्षिणी भारत में गया और वो मंदिर जो याद नहीं है 16 एकड़ में, तो दुभाषिये ने बताया, आप यहाँ के राम कृष्ण और विष्णु यहाँ नहीं पूजे जाते हैं, यहाँ महादेव की फैमिली पूजी जाती है। तो ये संकुचितता, ये श्रद्धा नहीं है, जड़ता। श्रद्धा शब्द दिया गया है निघंटु में, वेद के निघंटु में, और यास मुनि ने जिसका भाष्य किया है, तो भाष्य तो वे बहुत नहीं किए हैं, कहीं कहीं तो एक एक पदार्थ का 100-100 पर्याय, एक का दो का कर दें बाकी छोड़ दें, कहीं कहीं दो चार का किए हैं। श्रद्धा शब्द निघंटु में आया है, निरुक्त में भी उसका भाष्य किया गया है। श्रद्धा दो पद मिला करके श्रद्धा शब्द बनता है, श्रत नाम सत्य, धा नाम धारण करना, जो सत्य को धारण करे वो बुद्धि श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा का अर्थ क्या हो गया है, अंधविश्वास। तो श्रद्धा जड़ता हो गई है,
आजकल आजकल क्या पहले से भी श्रद्धा के नाम पर हिंसा हुई, रक्तपात भी हुआ है, लेकिन रक्तपात ही हिंसा नहीं है। अगर हम राम का मूल्य नहीं समझते, कृष्ण का मूल्य नहीं समझते, बुद्ध का, महावीर का, मोहम्मद का, ईसा का, शंकराचार्य का, विवेकानंद का मूल्य नहीं समझते तो श्रद्धा कहाँ है? श्रद्धावान तो बनेंगे, हम किसी के पक्षधर हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं। श्रद्धा तरल होनी चाहिए। सत्य को धारण करे तब श्रद्धा है, ये तो जड़ता धारण है। अश्रद्धालु होना पतन का रास्ता है, और श्रद्धालु होना तो आजकल का जैसे श्रद्धालु और पतन का रास्ता है। अश्रद्धालु तो कभी श्रद्धालु बन सकता है, लेकिन ये श्रद्धालु सही श्रद्धालु नहीं बन सकते। ये जड़े रहेंगे जीवन भर और मर जाएंगे। एक फिरके में बंधे हुए एक महापुरुष को दुनिया भर का मालिक मान करके डूब मरेंगे और सत्य को नहीं समझ सकते। इसलिए उदार होने की जरूरत है। शब्द हमारा आदि का, पल पल करहु याद। साहब कहते मेरा शब्द, मेरा उपदेश, मेरा विचार आदि का, मूल का, आत्मा का परिचायक है। आत्मा ही पल पल स्मरणीय है। आत्मा का स्मरण करो, आत्मा में अनुरक्त हो, आत्मचिंतन करो, आत्मलीनता में जाओ। आत्मचिंतन और आत्मलीनता, अपने आत्मा के लक्षणों का स्मरण करो। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अकेला हूँ, केवल हूँ। मेरे में जगत नहीं है, प्रपंच नहीं है, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, यह स्थूल काया इड़ी सी चोटी तक अन्नमय कोश मैं नहीं हूँ। इसके अंदर दूसरा कोश प्राणमय वायव्य अंश वो मैं नहीं हूँ। उसके अंदर मनोमय स्मृतियों का पुंज वो मनोमय कोश मैं नहीं हूँ। उसके अंदर विज्ञानमय कोश बुद्धि का प्रकाश वो मैं नहीं हूँ। उसके अंदर आनंदमय कोश आम महम जहाँ होता है, अनुकूल प्राणी पदार्थों के संगम में जहाँ अनुकूलता लगती है, वो भी मैं नहीं। मैं तो केवल साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। दृष्टा भी संबंध में हूँ, उपाधि में हूँ, निर्वाध में दृष्टा नहीं, दृश्य मात्र। पतंजलि महाराज ने कहा दृश्य मात्र, यानी शुद्ध चेतन मात्र है, दृष्टा नहीं है। दृश्य और दृश्य में अंतर है। दृश्य जड़ जगत, दृश्य शुद्ध चेतन मात्र। दृष्टा भी नहीं, दृष्टा उपाधि में है, संबंध में है। मन इंद्रियां है तो दृष्टा हूँ, मन इंद्रियां नहीं तो दृष्टा कहाँ हूँ? समाधि में जब मन इंद्रियां शांत हो गई तो वहाँ दृष्टा कहाँ है? शुद्ध चेतन मात्र है, आत्म अस्तित्व मात्र है। वही बीच में मैंने मंडूक उपनिषद को कहा था, एक आत्म प्रत्यारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र है। प्रपंचोपशमन, जब प्रपंच का उपशमन हो गया, मन लीन हो गया शिवम, तब शिवत्व का उद्घाटन हो गया। शिव आत्मा है। शुक्ल यजुर्वेद में शिव का बहुत बढ़िया वर्णन है, और वास्तव में शुक्ल यजुर्वेद में वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है और थोड़ी मंत्र है। छह मंत्रों में उसका वर्णन है। शिव संकल्प, शिव मंगलमय, आत्मा शिव है। प्रपंचोपशमन शांतम, जब प्रपंच उपशमन हो गया तो शांत हो गया, तो शिवम, तो शिव मात्र रह गया, आत्मा मात्र रह गया जो कल्याण स्वरूप है। प्रपंच से दुख है, चित्त बोधन करता है जगत का तब दुख होता है, और चित्त को कोई जगत का बोधन नहीं होता है, बस दुख रहित है। जान जान करके सारी तकलीफ है, न जानो कोई दुख नहीं, और जानने में बड़ा आनंद आता है। दुनिया भर का कबाड़, फलाने मिल जाए, फलाने मिल जाए, फलाने मिल जाए, आज तो मोबाइल कान में चिपकाए मार बात बात बात। और जो विज्ञापन में ट्रेन जब चलता हूँ कहीं और गाड़ी बैठा रहता हूँ देखता हूँ तो मोबाइल का हो, इतना इतना चित्र, इतना 25 पैसे में 50 पैसे में बात करते रहो, बात करने में बड़ा आनंद है। ये बात को छोड़ो, बात रहित हो जाओ, निर्वात, निर्वात हो जाओ। बात करना कहीं ठीक है,
लेकिन बात से आप परे एक एक वात रोग होता है जो गांठ ओठ में दर्द उत्पन्न करता है, और दूसरा बात रोग होता है। वो बात रोग सबके हैं, वात रोग कोई कोई के। बात करो बतियाने का रोग मनुष्य को बहुत है, और बतिया बतिया करके बात कर कर के प्रदूषित कर रहा है। शिवम अद्वैतम अकेली अवस्था है। चतुर्थम मन्यन्ते, ये चतुर्थ अवस्था है, जागृत स्वप्न सुसुप्त से परे, इसको वेदांती तुर्यगा कहते हैं। यहाँ तुर्यगा शब्द नहीं है, लेकिन वो शब्द है उनका, वैसा कहते हैं, बुरा नहीं, तुर्यगा। और ये विज्ञेय जानने योग्य है, जानने वाले को जानो। आज तक जानी हुई वस्तुओं को जान रहे हो, जो सबको जानता उसको नहीं जान रहे हो, अपने को नहीं जान रहे हो, और सबको पाने की बड़ी लालसा, अपने को पाने की लालसा नहीं, इसलिए सबको पाते पाते खाली खाली रहते हैं। इसमें जो जवान बैठे हो तो आशा में होंगे कि मिलेगा, अभी नहीं मिला तो अभी मिलेगा, लेकिन उनके पास जो बूढ़े बैठे हैं उनसे पूछ लो उनको क्या मिला है। ये जवान है, ये बूढ़े से पूछ लो क्या मिला है इनको। अगर इनसे पूछो कि बाबा जब आप दूल्हा बने थे वो दिन आपको आज कैसे लगता है, तो ये चिढ़ जाएंगे, मुझे परेशान कर। एक दिन दूल्हा बनाया गया और जिंदगी भर के लिए उलझन में पड़ गए। रमई काका की इसमें हमें याद आती है, लखनऊ के रमई काका विद्वान पुरुष थे, लेकिन वह विनोद में खूब कहे व्यंग लेखक थे, देहाती भाषा में लखनवी भाषा में उन्होंने कहा है। तो रमई काका ने कहा कि हम अमीनाबाद मार्केट में पहुंच गए, तो वो स्त्री का एक पुतला खड़ा था, आजकल आप जानते हैं दुकानों पर खड़ा रहता पुतला। तो मैंने कहा मैडम नमस्ते, तो लोग खड़े थे, अरे रमई काका तुम नहीं समझे तो पुतला है। उन्होंने कहा धोखा होएगा, धोखा होएगा, लखनऊ क्षेत्र में कहते धोखा होएगा, हो गया होएगा, धोखा होएगा। दूसरे दिन दूसरे दुकान पर पहुँचे, वहाँ एक सुंदरी स्त्री सज धज के खड़ी थी, ये समझे पुतला है, तो कंधे पर हाथ रखे तो उसने एक चाटा मारा। तो रमई काका ने कहा धोखा होएगा। अगर हम आप विचार करें तो जीवन में धोखे धोखा है। आप बप्पा बने बच्चों के धोखा होएगा कि नहीं, बप्पा बन करके क्या पाए हो, लड़कों से रिझो खिंचो झगड़ा करो। हम लोग गुरु बन गए, धोखा होएगा। हम लोग को गुरु बनना भी धोखा है। अपने मन का गुरु बनना चाहिए, जो दूसरे गुरु हम बन रहे हैं धोखा खा रहे हैं, धोखा होएगा, कुछ मिलेगा नहीं। इसमें जो शुरू से सर्विस करते रहे, पैसा पाते रहे, पैसा आया गया क्या धरा, कुछ धरा है तो वो भी चला जाएगा, रुकेगा नहीं। कुछ किसी के साथ रहता नहीं, जो रहता नहीं उसको उसी को पकड़ने के लिए जबरदस्त ढंग से लगे, और जो कभी नहीं बिछुड़ता है उस अपने आत्म अस्तित्व से हम बेभान हैं। ये हमारे जीवन का महाधोखा है। साहब कहते हैं शब्द हमारा आदि का पल पल कर हूँ याद, मैं मूल आत्म तत्व के विषय में उपदेश करता हूँ, उसी का स्मरण करो, अंत फलेगी माहली। इस परिश्रम का फल ये होगा कि तुम माहली हो जाओगे, महल के हो जाओगे, महल में रहने वाले। महल के विषय में साहब ने अनेत्र भी कहा है, माच मझरिया बसे सुजाने, जन हुई हैं सुथीरा हो, निर्भय भय ताकुर की नगरिया, सुख सोयदास कबीरा हो। माच मझरिया ये अवधि भाषा का शब्द है। माच मझरिया मतलब बीच में, जो बीच में बसना जानता है, जन हुई हैं सुथीरा हो, स्थिर होगा। ये बीच में कहना भी सोपाधि उपाधि युक्त है, शरीर के कारण है, बीच और अगल बगल कुछ नहीं, आत्मा में बसना जो जाने, आत्मा ही बीच है, आत्मा ही हमारा केंद्र है। एक केंद्र होता है, एक परिधि होती है, ध्यान दीजिए, केंद्र और परिधि।
तेली का कोल्हू पहले जमाने वाला, आज तो वहीं घूमता है। कोल्हू होता था, बैल उसमें जुड़ता था, वो चारों तरफ से घूमता था और बीच में कोल्हू में घानी पड़ी रहती थी, तेल उससे चूता रहता था। तो केंद्र में कोल्हू है और बैल परिधि में घूमता है, परिधि में घूमते घूमते जीवन बिता देता है बैल, कोल्हू के पास कभी नहीं पहुंचता। वो चक्कर काटता रहता परिधि में चक्र में, राउंड राउंड राउंड। केंद्र आत्मा है, मन परिधि, और मन से जितना सोचा जाता है सब परिधि। मन जब शांत हो गया तब केंद्र में स्थित होती है। तो केंद्र को नहीं पाए, परिधि में घूमते रहे और बस बर्खास्तगी का समय आ गया। जब एक मनुष्य के पास मौत आई, उसने कहा चलो तुम्हारा समय खत्म है, वो घबरा गया। उसने कहा मेरा तो अभी कई काम है, आपने नोटिस दी होती तो मैं अपना काम कर लेता। मौत ने कहा मैंने कई नोटिसें दी हैं। तो उसने कहा तो फिर डाक की गड़बड़ी, मुझे मिली नहीं। मौत ने कहा मेरी नोटिस डाक से नहीं आती, सीधे मनुष्य पर आती है। पहली नोटिस मेरी थी तुम्हारे बाल पकने लगे थे, दूसरी नोटिस थी चश्मा लग गया था, तीसरी नोटिस थी चाम में सिकन आने लगी थी, चौथी नोटिस थी कान से भी कम सुनाई देने लगा था, पांचवी नोटिस थी दांत उखड़ गए थे, उखड़ रहे थे। मैंने कई नोटिसें भेजी हैं, अब वारंट है, वारंट पे छुट्टी नहीं होती, वारंट एक दिन आ जाएगा। और सब जहाँ का तहाँ रह जाई हैं, तन पिजरा नहीं है, काम पंछी उड़ जाई हैं। महल में बसो माझ मझरिया, बसे सुजाने जन हुई हैं सो थीरा। जो बीच में बसना जानेगा वो स्थिर होगा, अभिप्राय हुआ अपने आप में बसना जानेगा वो स्थिर होगा। निर्भय भयता गुरु की नगरियाँ सुख सो दास कबीरा। साहब कहते दास कबीर तो गुरु के नगर में निर्भय होकर सो रहा, कितना बढ़िया मस्तानगी का शब्द है। निर्भय भयता गुरु की नगरियाँ सुख सो दास कबीरा। जो निर्भय होगा वही सुख से सोएगा, और भय तब तक होगा जब तक मोह होगा। मोह मिटे बिना निर्भय कोई नहीं हो सकता। भरथर जी ने कहा है भोगे रूप भयम, कुलेच्युत भयम, वित्ति निर्पालाद भयम, माने दयन भयम, बलिरूप भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रीवाद भयम, कुणे खल भयम, काय कृतांताद भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भूरणाम वैराग्यमेवा भयम। भोग में रोग का भय, जितना भोगी उतना रोगी। भोगे रूप भयम, कुलेच्युत भयम, कुल परिवार बढ़ता है तो पतन का डर लगा रहता है, बाल बच्चे ज़्यादा हो गए, कौन कहाँ फिसले कुछ ठिकाना नहीं। कुल इच्छित भयम, वित्त निर्पालाद भयम, धन में राजा इत्यादि का डर रहता, आज ही इनकम टैक्स वाले छापा नहीं मारते, पहले भी मारते थे, आज तो भला कानून से पकड़ते हैं। पहले तो कानून की जरूरत नहीं, राजा कहे सुने हो, जिसका जो ले 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 ले। ऐसे को तो मैं अपने जीवन में भी अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में देखा हूँ कि कैसे वो करते थे। जहाँ मेरा शरीर जन्मा है उसके कोई 8 किलोमीटर दूरी पर दुर्गा प्रसाद साहू 3 कोस के राजा थे, बहुत रोबदार दानी, शराब पीते थे, लखनऊ से वेश्याएँ आती थी, वो राजा ओजे जो काम है सब होता था, लेकिन दानी पेटी उनके साथ रहती थी। अगर वो बाग में घूमते हैं तो एक नौकर पेटी साथ में, ब्राह्मण साधु कोई आए उसमें से निकाल के कुछ दे देते, दानी थे। और लगान तो मिलती ही थी, लगान में से थोड़ा सा अंग्रेज गवर्नमेंट को देना होता था, और कोई बड़ा केस हो तो पुलिस हरकत में आती थी, नहीं तो राजा और जमींदार जो करें अंग्रेज गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती थी, पिटवा देते थे, मरवा देते थे, कुछ नहीं होता। मैं वो तो मरवाए नहीं, लेकिन इतना रोजगार थे उनके, एक एक किसान थे जिसके 25-25, 30-30 हल चलते थे, बुला लें जब उनको रुपए की ज़रूरत हो बुला लें, उस समय शराब की हालत में रहें, बैठ जाएं, बैठा लें, पकड़ लें चोटी या दाढ़ी, मुसलमान हो तो दाढ़ी पकड़ लें, हिंदू हो तो चोटी, इतने रुपए लाओ। वो बेचारा लाता था,
चार दिन के बाद बुलाते थे तो शराब की हालत में नहीं रहते थे। तुमको मैं तेरी मेरी दाढ़ी पकड़ ली थी शराब की हालत में, बड़े नीतिज्ञ थे, खुश कर लेते थे वो, कोई छापा डलवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी और कानून उनकी जरूरत नहीं, जिससे जचाए ले लें। ये सदा से रहा राजा चोर आग, इससे धन का क्षय होता रहा। वित्त नेपाल नेपाला नेपाल को वित्त का धन, वित्त से भय, भोगी रोग वहम कुलचित वहम वित्त नेपालाद वहम माने दैन वहम मानी, आदमी को दीनता का डर लगा रहता है मुझे लोग छोटा न कह दे। बले रिप वहम बहुत बलवान दुश्मन से डरे रहते हैं, बहुत बलवान लोग कमरे के अंदर सदैव सोते हैं। रूपे जराया वहम सौंदर्य में बुढ़ापा का भय लगा रहता है। काय कृतांताद वहम काया में मौत का भय लगा रहता है। सर्वम वस्तु भयान्वितम कहाँ तक गिनाऊँ, सारी वस्तुएं भय से भरी हैं। भूई राम वैराग्य मेवा भय, एक वैराग्य है जो मनुष्य के लिए निर्भय पद देता है। तो ये वैराग्य का अर्थ घर छोड़ना और कपड़ा बदलना नहीं है, वैराग्य का अर्थ है चित्त का निर्मोह होना, अनासक्त होना। साधु गृहस्थ दोनों अनासक्त हों तब उनको निर्भय सुख मिलेगा। निर्भय वैता गुरु की नगरिया सुख सुमदास कबीरा। तो अंत फलेगी माहली, अंत में आत्मज्ञान का फल होगा महल में रहना, अपने आनंद घर में निवास करोगे परम आनंद। ऊपर की सब बात और ऊपर की जो दिखाई देती है देह, देह के नाम रूप गुण कर्म स्वभाव भौतिक उपलब्धियां बात व्यर्थ, सब व्यर्थ। शरीर छूट जाता विद्वता खत्म, बड़े बड़े विद्वान शरीर छूट गया उनका कुल खत्म हो गया। गांधी जी की खोपड़ी पश्चिम वैज्ञानिक लोग चाहते थे, जब वह मरे तो उनकी खोपड़ी हमें दे दीजिए सिर। जवाहरलाल ने कहा ये बकवास मत करो। जवाहरलाल को कुछ लोग समझते थे अरे वो पश्चिमी सभ्यता पूर्वी सभ्यता दोनों के संगम थे। गांधी जी का वाक्य जब एक ने कहा कि जवाहर तो पश्चिमी सभ्यता के संस्कार वाले हैं, तो गांधी ने कहा तुम जवाहर को क्या समझते हो, वो पश्चिमी पूर्वी का संगम है। तो उन्होंने कहा डांटा कि ये सब बकवास मत करो, खोपड़ी हम किसी की नहीं देंगे। जिसका शरीर छुटा ज्ञान विज्ञान खत्म, तुलसी धन धाम शरीरे ले ये कहावत कही जाती है। तो ऊपर की सब बात, ऊपर का सब व्यर्थ है, दिखावा है। ये द्वंद क्यों आता है, साहेब ने कहा है जहाँ बोलता अक्षर आया, जहाँ अक्षर था मन ही दृढ़ाया, बोल बोल एक हो जाए जिन अलखा सुबिरला हुई। जहाँ बोले तहाँ अक्षर आएंगे, अक्षर आएंगे मात्राएं आएंगी, शब्द बनेंगे वाक्य बनेंगे और अर्थ कुछ मन बना लेंगे। जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया और जहाँ अक्षर था मन ही दृढ़ाया, जहाँ बोले तहाँ अक्षर शब्द वाक्य बने और वहाँ मन कुछ अर्थ लगाया और हर्ष माना या शोक माना। लेकिन बोल अबोल एक हो जाए जिन अलखा सुबिरला हुई, जो बोल अबोल में एक हो जाए ऐसे को समझने वाला बिरला है। हमारी कोई प्रशंसा की हमारी कोई निंदा की दोनों में हमें हर्ष हमर्ष नहीं हुआ तब ये समझना हुआ। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी मन फूल गया, किसी ने थोड़ा सा कम कह दिया मन पचक गया, तो ये कच्चा सौदा है, आत्मस्थित नहीं। अपने को अंदर में इतना मजबूत कर लो कि बाहर का कोई घात प्रतिघात प्रभाव न डाल सके। साहेब ने कहा है आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्र दीप सम हुए रहे तजके बाद विवाद। जब आत्म का अनुभव हुआ, आत्म का अनुभव का अर्थ है आत्मा की स्थित प्रपंच शून्य, और उस स्थित में जो रहता है वो देखते हुए नहीं देखता, जानते हुए नहीं जानता, व्यवहार करते हुए वह नहीं करता, वो समझता है सब क्षणिक। अब आजकल में सदैव विस्मृत के गर्त में डूब जाएगा। हम जन्म लेते हैं और एक एक चीज को जानते हैं और याद करते हैं,
और पीछे पीछे एक एक चीज भूलती जाती है। जीवन भर नई नई स्मृतियाँ जुड़ती हैं, पुरानी स्मृतियाँ घटती हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि सारी स्मृतियाँ विस्मृत के गर्त में गड्ढे में चली जाती, सब शून्य हो जाता है। इस शून्यता को देखता है तथागत बुद्ध ने कहा, जो शून्य को देखता है वो निर्वाण को देखता है। तो शून्य को देखने का आत्मा ही को शून्य नहीं, शून्य को देखने वाला शून्य नहीं, आत्मा स्वयं शून्य नहीं, जो देखेगा वो कैसे शून्य हो जाएगा, शून्य ही जाने शून्य न हुई। जो शून्य को देखता है वो निर्वाण को देखता है। आप लोग बैठे, जो इसमें बैठा हुआ ये देखता है कि अभी समाज उठ जाएगा, वो निर्वाण को देखेगा। कहाँ हम बैठे हैं, ऊंचे हैं कि नीचे हैं, दाएं हैं कि बाएं हैं, ये याद करके दुखी हो, मुझे आसन ठीक मिला कि नहीं मिला, और जब उठ गए तब क्या हुआ, सब बकवास हो गई। तो ये दुनिया का जो कुछ भी है वो थोड़े में केवल बकवास हो जाती है, कुछ रहता नहीं। जब ये दृष्टि जिसकी हो तो उसको हर्ष विषाद नहीं होता है। आत्म अनुभव, अपना आत्मा अकेला है, अद्वैत है, असंग, शुद्ध है, केवल है, उसमें कुछ नहीं। ये भाव जिसका बना रहता है वो आत्मानुभवी है, उसको हर्ष विषाद किसका होगा, है ही नहीं कुछ। अभी एक सज्जन ने बताया कि अभी अखबार में पढ़ा हूँ कि स्वामी शंकराचार्य जंगल में होके जा रहे थे, उनका शिष्य भी साथ में था, तो एक हाथी दौड़ाया तो शंकराचार्य स्वामी भागने लगे, तो शिष्य ने कहा महाराज आप तो कहते सब माया है, हाथी भी माया है, दौड़ भागते क्यों हो? तो उन्होंने कहा मेरा भागना भी माया है। तो ये तो महापुरुषों के बीच में कहानियां बना ली जाती हैं, उनके सिद्धांत को बताने के लिए अथवा उनको विनोद करने के लिए भी बना लेते हैं लोग, क्योंकि दूसरे विचार वाले थोड़ा दूसरे के विनोद भी करते हैं। जो विशिष्टाद्वैतवादी हैं स्वामी शंकर का बहुत विनोद करते हैं, और अद्वैतवादी हैं वो विशिष्ट अद्वैतवादी भी विनोद करते हैं, और विनोदे तक नहीं चलता है। बड़ा बड़ा आज से 2000 वर्ष पूर्व का मंत्र है, वेदैर विहीनास्य पठन्ति शास्त्रम, शास्त्रेण हीनास्य पुराण पाठा, पुराण हीनास्य कृष्णो भवन्ति, भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति। ये अस्मृत में आया है, पंडित का लिखा हुआ है। वो भक्तों से बहुत घबरा गया था, वासुदेव भक्ति उस समय खूब चल रही थी, और उसमें जात पात ढीला था, और हवन तर्पण ढीला था, और भगवान का भगत हो ये सब कर्मकांड से कल्याण नहीं है, और पंडित का पेट पूछता था बेचारे से कर्मकांड से, तो कट कहा। वेदैर विहीनास्य पठन्ति शास्त्रा, जो वेद नहीं पढ़ना जानते वो शास्त्र पढ़ते हैं, और जो शास्त्र नहीं पढ़ना जानते वो पुराण पढ़ते हैं, पुराण पाठा, पुराण ही ना कृष्ण भवन, जो पुराण भी पढ़ना नहीं जानते वो खेती करते हैं, और भ्रष्ट आस्ततो भागवता भवन, जो सब तरफ से भ्रष्ट हो जाते हैं वो भगवान के भगत हो जाते हैं। ये कर्मकांडी पंडित ने भगवान के भक्तों को कहा, भ्रष्ट आस्ततो भागवता भवन। तो यही मैंने बीच में जो कहा था, श्रद्धा, श्रद्धा सही नहीं रह जाती, श्रद्धा हमारी तरल होनी चाहिए। कोई सगुण उपासना करता है करने दो, समझेगा तो निर्गुण में भी जाएगा, गाली न दो। कोई निर्गुण में पहुंच गया तो उसको गाली न दो। हरे राम हरे कृष्ण वाले जो अभी वर्तमान में आंदोलन चलाए हैं, प्रभुपाद जी महाराज थे, उनका भाषण मैंने अलीपुर में कलकत्ता में सुना, तो हिंदी बढ़िया बोले मालूम होता था कि काशी के पंडित हैं, बहुत बढ़िया बोले, लेकिन शुरू वाक्य उनका था मुझे याद है, ज्ञानी पागल होता है पागल, पागल होता है पागल, ये पहला वाक्य था। अब ये कहने क्या जरूरत थी, कोई वहाँ आत्मज्ञानी पुरुष ये कहा होता मैं ब्रह्म हूँ तो कह देते। उनके शिष्य लोग सब कीर्तन कर रहे थे, हरे राम हरे कृष्णा कह करके, कीर्तन शांत हुआ तो वे भाषण करना शुरू किए, तो कहे सज्जनों और देवियों, ज्ञानी पागल होता है पागल, पागल होता है पागल,
ये ज्ञानी कौन होगा? तब क्या कहते हैं, मुक्त क्या है? जो विजात तत्व है छोड़ दो, अपने आप टिक जाओ, बस वही मुक्ति। अब स्वयं ज्ञान की बात कह दी, विजात तत्व अनात्म वस्तु छोड़ दो, आत्मा में स्थित हो जाओ, बस यही मोक्ष है। तो इसमें भगवान तो नहीं रहा, वो तो सगुण उपासक कृष्ण के उपासक, लेकिन कृष्ण इसमें नहीं आ सके। वो कही नहीं सकते थे कि कृष्ण को ले लो तो मुक्त हो जाओ, वो कहे कि अनात्म वस्तु को छोड़ दो, आत्मा में स्थित हो जाए, यही मुक्ति है। तो मैंने कहा देखो ज्ञानी को पागल कहे, वो पागलपन की बात शुरू कर दी। ज्ञानी यही तो कहता है, अनात्मा को छोड़ करके आत्मा में स्थित हो जाओ। इसलिए बहुत बकवास, केवल ये दिमागी कसरत है, इसमें फायदा नहीं। और ये सबको कम से कम यहाँ बैठे सज्जन ध्यान दें, अपनी अपनी श्रद्धा को तरल बनाएं, कठोर न बनाएं। सभी महापुरुषों को आदर दें और सत्य को सर्वाधिक आदर दें। तो आत्म अनुभव जब भया तब नहीं हर्ष विषाद। आत्मा का अनुभव का अर्थ है दृश्य प्रपंच को सब समय शून्य रूप में देखो। जब समाज में साधक पहुंचता है, परिपक्व साधक, संकल्प शांत कर देता है, कुछ नहीं सोचता है, निरान शांत, इसी को योग दर्शन में असंप्रज्ञात कहते हैं। असंप्रज्ञात का मतलब कुछ ज्ञात नहीं, वहाँ कुछ जाना नहीं जाता है। और जब व्यवहार में है, खाता पीता काम धंधा करता है, तो वो बुद्धि से समझता है कि ये सब प्रपंच आत्मा में नहीं। इसलिए सब समय अद्वैत और केवल है, सब समय असंग है। कठोपनिषद बताया गया है कि ज्ञान से उसको समझना चाहिए और उस समाधि में पहुंच करके उसको समझना चाहिए। दो प्रकार से समझना चाहिए, ज्ञान से गुरु बताएंगे और उसको समझो, अपनी बुद्धि लगाओ कि मेरा आत्मा सभी अनात्म वस्तुओं से अलग असंग है। लेकिन समाधि में जब जाओ, सारे संकल्प शांत हो जाएंगे, तब असंगता का बोध होगा। बात बात से नहीं होगा, बात बात से बौद्धिक बोध होगा। जब संकल्प शांत हो जाएंगे तब साक्षात्कार हो, उसी को साक्षात्कार कहते हैं, आत्मनिश्चित। तो आत्म अनुभव जब हुआ, जब आत्मा का अनुभव होने लगा निरंतर, तो ये सारी उपलब्धियाँ झूठी लगती हैं। तो हर्ष विषाद उसमें हो ही नहीं सकता। क्या हर्ष क्या विषाद, क्या मिला क्या छुटा, किसने क्या कह दिया? जिसने जो कह दिया उसका अपना विचार है, वो मर जाएगा, मेरा शरीर मर जाएगा। मेरे अपने जीवन में मैंने देखा इतने दिनों तक, तो कौन कौन मिले, ऐसी ऐसी सभा हुई जिसमें आधा घंटा पौना घंटा एक प्रवक्ता प्रतिष्ठित मुझे कट कहता रहा, गाली देता रहा, और हजारों की भीड़ थी, बहुत बड़ी सभा थी, मैं चुप रहा। मुझे वो बंद किया तो दूसरा प्रवक्ता उसको बहुत कहा, मैंने इशारा किया आप न बोलिए, लेकिन वो माने नहीं, उन्हीं नंबर था। तो मैंने कहे तो सत्य, लेकिन उनको बहुत लताड़े, अंतिम में मेरा था, तो मैं बोला, उसको छुआ नहीं, अपनी बात कह दी। सभा बहुत खुश हुई। जब उठा, रात का समय था, तो मेरे पीछे पीछे उन्हीं का शिष्य चलने लगा जो मुझे गाली दिए थे सभा में। तो वो पहले जब खड़ा हुआ तो उस पीछे बैठा था, तो मेरा पैर पकड़ लिया, कहे साहब आप सुने नहीं उनकी बात? तो मैं हंस दिया, वो पीछे पीछे चलने लगा। अंत में बेचारे बहुत लज्जित हुए, पूरा समाज उन पर नाखुश हुआ और पूरा समाज मुझसे खुश। मैंने कहा लाभ किसको हुआ? मैं सह लिया, मुझे लाभ हुआ, और वह अड़पटांग बके उनकी हानि हुई, मन भी खराब हुआ, बाहर से भी बदनाम हुए। तो ये संसार एक तमाशा है। जितना प्रसिद्ध आदमी होता है, जहाँ जाता है उसका सत्कार करने वाले होते, तिरस्कार करने वाले कोई कोई मिलते हैं, वंदना प्रार्थना करने वाले होंगे और निंदा करने वाले होंगे। मैं ट्रेन में चल रहा था गोरखपुर लखनऊ लाइन में, बहुत पुरानी घटना, पर गुरु जी के साथ था, तो गुरु जी उधर बैठे थे, मैं इधर था कई साधु। तो गोरखपुर के एक सज्जन, वे अफसर थे, पढ़े लिखे योग्य, बातचीत करने लगे, मेरे विचारों से बहुत खुश हुए। तो एक नौजवान खड़ा था, तो ऐसे पैंट सरकावे, कहे भैया मैं भी साधु हो जाऊँगा, अब मैं भी साधु हो जाऊँगा। तो उन्होंने कहा महाराज ये आप पर व्यंग कर रहा है। तो मैंने कहा ये सब हम अभ्यस्त हैं,
आप बड़ाई कर रहे हैं, वो मेरा व्यंग कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहे भैया मैं भी साधु हो जाऊंगा। तो ये संसार उबड़ खाबड़ है, इसमें जो अपना चित्त रखेगा उसको शांति नहीं मिलेगी, आत्म अनुभव में जो रहेगा। तो ये सब सपने के समान उसको प्रतीत होगा, जैसे सपने से जाग करके सपने की वस्तुओं की याद आती है, वैसे मानो ये सब भी सपना है। आत्म अनुभव जब हुआ तब नहीं हर्ष विषाद, चित्र दीप सम होए रहे तजके बाद विवाद। चित्र का दीपक हिलता नहीं, उसकी ज्योति हिलती नहीं, क्योंकि चित्र का है, वैसे वो चित्रवत स्थिर हो जाता है, बाद विवाद में नहीं पड़ता है। विजानन विद्वान भौते नातिवादी, ये शुद्ध वचन है। विजानन जो अच्छी तरह से जान लिया, विद्वान जो ज्ञानी है, भौते नातिवादी वो बड़बड़ के बात नहीं करता। जहाँ कहते हैं कि दूसरे शास्त्र रूपी जम्बुक तब तक बोलते हैं जब तक वेदांत केसरी गरजता नहीं, ये मंत्र है, मुझे लज्जा लगती है। वेदांत है उपनिषद, कहीं ऐसा है? ये भावुकता में कह करके वेदांत को मिटाना है। भला कपिल का वचन सियार का है, जम्बुक का है? सिद्धानाम कपिलो मुनि, जिसको गीता में कहा गया सांख्यम पुराणम सांख्यम विशालम परमम पुराणम महारणम विमलमुदार कांतम, ये महाभारत में कहा गया सांख्य चिंतन अत्यंत विशाल पुराना महासागर के समान है। ज्ञानम चलो के इतिहास्त किंचित सांख्यागतम तच्च महान महात्मन, अय महात्मन दुनिया में जितना ज्ञान है सांख्य से आया हुआ है। ज्ञानम चलो के, इस लोक में ज्ञान जितना है, ज्ञानम चलो के यदि हास्त किंचित, किंचित थोड़ा भी ज्ञान दुनिया में जहाँ कहीं है सांख्यागतम, सांख से आया हुआ है। ऐसी सांख की महिमा, सांख न्याय योग, ये सब दर्शन जम्बुक नहीं है, ये सब भी दर्शन आदरणीय और मननीय है। और वेदांत तो उपनिषद मक्खन है, उपनिषद ही वेदांत है। और उपनिषद में कहाँ लिखा है कि दूसरे शास्त्र जम्बुक हैं और वेदांत केसरी है? तो ये बड़े बड़े ज्ञानी लोग अति श्रद्धा में पढ़ करके भटक जाते हैं। कबीर साहब ये सब छीलते हैं, चाहे जात को लेके, चाहे धर्म को लेके, चाहे भगवान को लेके, चाहे मोक्ष को लेके, जहाँ कहीं कोई जड़ता करता सबको पीटते हैं और कहते हैं कि सरल बनो कोमल बनो, चित्र दीप सम होए रहे तज के बाद विवाद। और मैंने उपनिषद का भी प्रमाण दिया कि विजानन विद्वान भौते नातिवादी, जो समझदार ज्ञानी विद्वान संत है वो अतिवादी नहीं होता है, अहंकार नहीं करता है। तो मूल बात यह है, साहब कहते हैं हमारा शब्द आदि का है, मूल आत्मा का परिचायक है, आत्मा की तरफ ध्यान दो, अपनी तरफ लौटो, जीवन भर चाहे जितना कुछ पाओ धोखे में रहोगे, आत्मा की तरफ लौटो। आत्मा आपका परमात्मा है, परमानंदमय है, परम सुख स्वरूप है, वो आपके आप अपने आप में है, साधना सत्संग से उसको प्राप्त करो। ये जो प्रवचन दिया जाता है ये तो एक संकेत दिया जाता है, इसमें आपको जग जाना चाहिए और